कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाले कि आप अपने फ़ोन में फ़ोटो एंड वीडियो हाइट कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे आपको। देखना है और फॉलो करना। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे नहीं तो वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में, या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइल, जो हमने अपने फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है एप्लीकेशन। आपको फाइल पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपने फ़ोन में फाइल पे क्लिक करने के बाद में ऑप्शन देखने को मिला था फोन में सेव फोल्डर। आपको सेव फोल्डर पे क्लिक कर लेना और आपने यहाँ से आप कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको बैक हो लेना। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिला था फोन में ईमेल्स। आपको ईमेल्स पे क्लिक कर लेना। ईमेल्स पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार आपके सामने फोटोज देखने को मिलती है। तो आप जो भी फोटो हाइड करना चाहते हैं तो आप इसे हाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फोन में फोटो जो भी हाइड करेंगे तो आपको इस प्रकार आपको फोटोज पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। जैसे जो भी फोटो आपको हाइड करना आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन में थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोव टू सेव फोल्डर। तो आपको मोव टू सेव फोल्डर पे क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको पैटर्न जो आपने डाला था आपको एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो हमने फोटो हमने हाइड किए थे हमारे फ़ोन के फोटो हाइड हो चुके हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार आप अपने फोन में फोटो एंड वीडियो हाइड करेंगे। तो आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगा इस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।